जहां मर्जी हो वहां जाओ, बस हमारी जान छोड़ो। माँ अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। क्या बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? आपको सुनाई नहीं देता है क्या? हमने कहा अपना सामान लो और निकलो यहां से, आपका भी इस घर में और कोई जगह नहीं है। बेटा मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपकी वजह से हमारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, दिन रात बस आपकी सेवा में निकल जाती है, हमारी अपनी भी कोई लाइफ है। बेटा पापा के मरने के बाद मैंने ही सब कुछ देखा, तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज तुम मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे हो। ओ माँ फालतू का इमोशनल ड्रामा करना बंद करो, आपको भी पता है मेरी सैलरी मिलती है तो आधा सैलरी आपकी दवाइयां में चली जाती है, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है घूमने जाने के लिए। माँ अब हम और आपको इस घर में नहीं रख सकते, अब प्लीज जाओ ना। बेटा अगर इतना हिसाब किताब मैंने किया होता तो आज तुम इस लायक नहीं होते, और वैसे भी मैं इस उम्र में कहां जाकर धक्के खाऊंगी? वो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी हो वहां जाओ, बस हमारी जान छोड़ो। दिन भर ऑफिस में काम करके थका के घर आता हूँ और घर का भी काम करता हूँ, और आपकी आपकी गुलामी तो खत्म ही नहीं होती, बहू ये करो बहू वो करो, बेचारी अकेली से आप कितना काम करवाती हो। ठीक है तो आप तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हेलो मेहता जी, आपके पास एक कमरा किराए के लिए मिल जाएगा क्या? जी मैडम, फर्स्ट क्लास कमरा है, एकदम 7,000। 7,000? बेटा तुम लोग 7,000 रेंट दे पाओगे ना? हम क्यों भरेंगे रेंट? हाँ माँ भर देंगे रेंट। अरे एक महीना का रेंट देकर इन्हें भगाओ यहाँ से, फिर उसके बाद ये अगर रेंट नहीं दे पाए तो मकान मालिक वैसे ही से निकाल देंगे। माँ मैं दे दूंगा रेंट। अच्छा तो फिर रेंट की कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी हाँ, मेरी बहू आपका घर एकदम चमका के रखेगी। हम क्यों उनका घर चमकाएंगे? क्या मेहता जी? अच्छा तुम लोग शेयरिंग बाथरूम यूज कर पाओगे ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक एक घंटा लाइन में खड़ा रहना होगा। हम शेयरिंग बाथरूम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये कमरा तो मैं तुम ही लोगों के लिए देख रही हूँ। हाँ, एकदम A1 कमरा है। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? हम अपने घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, निकलोगे तो तुम लोग। माँ मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, वो देखो ना पिंकी अपने हाथ में कैसे फोन छुपा के आपके वीडियो बना रही है, देखो। हाँ माँ हम बस प्रैंक कर रहे थे। बेटा मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैं तुम्हारे नाम अपनी पूरी जायदाद करने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ कि मेरा लॉयर 10 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, वरना पता नहीं तुम लोग मुझे कहाँ रास्ते पर बैठा कर भीख मंगवाते। माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। माँ मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा होता कि मैं बे औलाद होती। तुम्हारी जगह अगर मैंने एक कुत्ता पाला होता तो वो कम से कम वफादार तो होता। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ हमें बस आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह है, चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से, निकलो।